लगेगा ना, जब तेरे ही कोख से जन्म लेकर मैं तेरा पति और तेरा परिवार खत्म कर दूंगी। नहीं। और मैं तुझे यहाँ खुली चुनौती देने आई हूँ। देख इसे, जैसे जैसे इस गुड़िया का रंग हरा होता जाएगा तो समझ लेना श्री कंगना जीत गई। तो सरला उसका क्या हुआ? वेरी गुड, मित्र की किरण दिखाई दे रही है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। रहनी बेटा, इतनी रात को कौन हो सकता है? सुबह कितना भयानक सपना देखा मैंने, ये क्या, ये घंटी की आवाज तो अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। ये तो सच में घंटी बज रही है। नमस्कार अनुज बाबू। अरे आप, नमस्कार नमस्कार। प्रणाम जी। चलो मुझे बता दिया होता मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता, बस अचानक बंद हुआ अपनी बिटिया को मिल लूं तो चला आया। आप तीरथ से कब आए बापू? कल ही आया बापू। कंगना, कंगना अब भी हमारी जिंदगी से नहीं गई। जब तेरे ही कोख से जन्म लेकर मैं तेरा पति और तेरा परिवार खत्म कर दूंगी। गर्भ का चौथा महीना रहते ही आत्मा जीव के शरीर में प्रवेश करती है। दुर्भाग्यवश तुम्हारे गर्भ में अत्यंत दुष्ट और बुरी आत्मा प्रवेश करना चाहती है। इधर गणेश विसर्जन होगा और यहां तुम्हारा चौथा महीना शुरू होगा, और गणपति विसर्जन से लेकर नवरात्र तक श्राद्ध के दिन माने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इन दिनों में दुष्ट आत्माओं की शक्ति अपने चरम पर होती है, और कंगना इस समय का फायदा अवश्य उठाएगी। मेरा क्रोध कब और कैसे तेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा श्री।